एडमिनिस्ट्रेशन खराब हुई, उन्होंने उस बच्चे नूं कढ़िया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती सी। हुण इस दे विच कोई बंदा अटैच है, लेडी अटैच है, करना साढ़े वास्ते मुश्किल है। मर्द अटैच है, किसी के बच्चे चलते ने सूट खड़े थोड़ा तू पीछे हो, डॉक्टर साहब 10 फुट 20 फुट ए डूंगा और है भी एक मैन एक जगह ऊपर यहाँ। इस वक्त जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर एक सेफ्टी टैंक है, ये यहाँ पर सामने ओपन है ये सेफ्टी टैंक। यहाँ इसकी पता नहीं कितना ये डूंगा है। यहाँ पर मैं आया, यहाँ बहुत बड़ी एक ये मुसीबत का सामना है। अगर यहाँ पर कोई आदमी बच्चा या बड़ा यहाँ इसमें चला जाए तो मेरे ख्याल में डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी इसकी। मैं गुजारिश करूँगा डिप्टी कमिश्नर पूंछ साहब से, गुजारिश करूँगा कि ऐसी चीज़ पर और ख़ास करके मैं यहाँ हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो है इस चीज़ को नज़र रखनी चाहिए, गफलतबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गफलतबाजी में जब गफलतबाजी हो जाएगी, यहाँ कोई मर जाएगा, फिर वहाँ हमें आवाज़ उठाना पड़ता है, तो उसमें हमारे लिए भी मसीबत बनती है और ज़िला इनके इंतज़ामिया के लिए भी। और ये 15 फुट होल है, इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 20-25 फुट है। हॉस्पिटल का जितना भी गंदा पानी या जितने भी सैनिटरी टैंक हैं उनका पानी आके मैन इसी में गिरता है, क्योंकि सबसे बड़ा हो जाए। आज एक महीने से इसका जो ढक्कन है वो टूट चुका है और इंतज़ामिया ने भी इस तरफ ये ख्याल नहीं किया कि यहाँ पर 1000-2000 के करीब डेली OPD होती है और बड़े इनोसेंट लोग गाँव से आते हैं, उन बच्चे उठाए हुए लेडीज़ आती हैं, वो आके यहाँ से OPD से पर्ची लेती हैं। अगर कोई इनोसेंट आदमी, कोई बच्चा इसमें गिर जाए या कोई बीवी गिर जाए तो हमें यहाँ पे JCB बुलाने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए और उसकी डेड बॉडी निकालनी पड़ती है, क्योंकि पानी बहुत डूंगा है। इसलिए इंतज़ामिया खास करके सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल साहब को ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हॉस्पिटल की हर जगह को चेक करो यहाँ की सफाई के बारे में और स्पेशल ऐसे खड्डों में। अगर खड्डे में कोई गिर जाएगा तो उसकी प्रॉब्लम जो है पूरी इंतज़ामिया को बनेगी और ये पूंछ के